गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने जीवन में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि प्लस वन की क्लास के ऊपर आधारित है। इस पीरियड में हम प्लस वन क्लास की जो पोएम है उसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है चाइल्डहुड और जिसके पोएम है मार्कोस। बहुत ही बढ़िया पोइम है, शिक्षा प्रद पोइम है और एक मैथोलॉजिकल पोइम है जो हमें कुछ ज्ञान देती है, फिलोसफिकल पोइम है, अपने इंट्रोस्पेक्शन या आत्मविश्लेषण के बारे में हमें बताती है। देखिए, सबसे पहले टाइटल को एनालाइज करें तो चाइल्डहुड आप सबको मालूम है बचपन का होता है। इस पोइम में दर्शाया गया, पहले हम इसको समझेंगे कि ऑथर का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम इसको लाइन टू लाइन डिस्कस करते चलें। यहाँ पे कवि जो कहते हैं कि जो आपकी शक्ल है आज के दिन, पहले ऐसी नहीं थी। जब आप मासूम थे, इनोसेंट थे, तो आपके अंदर क्या था? बचपन था, ठीक है। छोटे थे, तुतला के बोलते थे, सबको अच्छे लगते थे। लेकिन हम जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसके अनुसार बचपन को या चाइल्डहुड को भूल जाते हैं। तो चेहरा जो बदलता है, विवेकता बदलती है, बुद्धि की शारीरिक क्षमता बदलती है और उसके साथ कहीं ना कहीं हम बदल जाते हैं भूलते हुए किसको? अपने बचपन को। तो यहाँ पे कवि यही बात हमें बताता है कि हमें अपने बचपन या मासूमियत को नहीं भूलना चाहिए। अब हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि जो सच्चाई मासूम, आपने सुना होगा कि बच्चा जो होता है, बचपन जो होता है वो भगवान का प्रतीक होता है, मासूमियत होती है, बच्चे सच्चे होते हैं। तो वही चीज हमें अपने जीवन में डालनी चाहिए। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय माता पिता के मन में एक इच्छा होती है कि वो उनसे बच्चा बात करे। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वही इच्छा जो बचपन में थी माता पिता के, वही इच्छा युवावस्था में भी उनके मन में रहती है, क्योंकि पहले तो बचपन के कारण वो बातें नहीं कर पाता है बच्चा, और बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपनी जो परेशानियां, अपने जो काम होते हैं उनमें इतना उलझनों में व्यस्त रहता है कि वो अपने माता पिता के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि दिन में चाहे 5 या 10 मिनट आप अपना समय निकालिए, अपने माता पिता के पास बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, ठीक है, ताकि उनका मन खुश हो जाए। तो ये हमारी बचपन की पोइम है, हमें ये प्रदर्शित करती है। कवि कहता है कि आज जो हमारे चेहरे हैं उनमें, आज जो हमारा चेहरा है पहले ऐसा नहीं था, मासूम चेहरे को ढक के अब ये चेहरा उत्पन्न हुआ है। पहले हम तुतला के बोलते थे तो सबको हंसी आती थी, अब हम उसी जुबान से किसी को गाली देते हैं तो वो हमें बुरा ठहराते हैं, अन्य लोग या माता पिता। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए और बचपन जो है उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बताऊं, किसी महान कवि ने भी कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर एक बचपन होता है, बच्चा होता है। जो व्यक्ति जीवन में अपने बच्चे को महत्व समझता है, बचपन को याद करता है, अच्छाइयों को मेंटेन करता है, बनाए रखता है, वही व्यक्ति जीवन में कामयाब होता है। तो ये हमारी पोइम है चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, थीम थी देखकर के कहने की। अब हम इसको लाइन टू लाइन डिस्कस करें। सो ओपन योर बुक्स, किताबें निकालिए और इस पोइम को हम पढ़ते हैं। देखिए, आपने सुना होगा बचपन में दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते थे और कहानी सुनते सुनते हम उन कहानियों को वास्तविक मान लेते थे, होती थी वो काल्पनिक लेकिन वास्तविक मान लेते थे। तो किसके कारण होता था? चाइल्डहुड या बचपन के कारण होता था। आप एक एग्जांपल और देता हूँ कि छोटा बच्चा हो, बिल्कुल छोटा नजरा, जैसे थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन छोटा हो, जिसकी विवेकता ग्रोथ जो है वो बड़ी न हो मानसिक रूप से, अगर आप उस बच्चे को बोलोगे कि मैंने मक्खी बनाई है तो वो आपका विश्वास कर लेगा, बिकॉज उसकी याद जो समझ है वो इतनी विकसित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति उसको बता रहा है बात उसको वही सच मानता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, बड़े व्यक्ति को आप बोलोगे तो वह उस बात को समझ नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही अगर आप समझो कि छोटे बच्चे जो होते, वो ज्यादातर कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपनी माँ की, माता पिता की बात का विश्वास नहीं करते लेकिन महत्व देते हैं इसको, टीचर्स को,
या अपने अध्यापक अध्यापिका को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वो उनको अपने जीवन का आइडल मानते हैं। तो ये बचपन है, बचपन के बारे में आपकी पोइम है कि बचपन में जो हमें कहानियां सुनाई जाती थी वो हम वास्तविक मानते थे, स्वर्ग नर्क जो है उनके बारे में जो हमें बताया जाता था वो मानते थे, ठीक है, जो स्वर्ग बताते थे, राजा रानी की कहानियां सुनते थे, परियों की कहानियां सुनते थे। लेकिन आज के दिन अगर परी या राजा रानी का कोई महत्व जिक्र किया जाए तो उसको कोई महत्व देता नहीं है। ये किसके कारण? जैसे जैसे एज या आयु बढ़ी है और हमारा बचपन लुप्त होता चला गया, तो ये इस पॉइंट में बताया गया है। अब पढ़ते हैं इसको लाइन टू लाइन। When did my childhood go? Was it the day I chased to be 11? Was it time I realized that hell and heaven couldn't not be found in geography and therefore it could not be? Was that day? यहाँ पे कवि क्या कहता है? When my childhood, जब मेरा बचपन जो था वो गया। कवि कहता है कि मेरा बचपन कब गया? क्या मेरा बचपन तब गया जब मैं हुआ कितने वर्ष का? 11 वर्ष का। कितने वर्ष का हुआ? 11 वर्ष का। अर्थात कवि कह रहा है कि क्या मेरा बचपन उस समय पे गया जब मेरी आयु 11 वर्ष की हुई। Was it the time, या मेरा बचपन उस समय पे गया जब मैंने ये माना कि स्वर्ग और नर्क जो थे उनको नहीं पाया जाता कहां पे? भूगोल में। भूगोल में स्वर्ग और नर्क को नहीं पाया जाता। देखिए भूगोल का मतलब क्या होता है? भूमि के बारे में आपको जो जानकारी देता है, भूमि के लिए आप जानकारी के प्रयोग करते हो इसका ग्लोब का या फिर मैप्स या मानचित्र का। आपने ग्लोब में या मानचित्र में स्वर्ग या नर्क नाम की जगह नहीं देखी होगी। आपको ये लोकेशन नहीं पता होगा किस दिशा में है, कितनी दूरी पे है, किस कहां पर स्थित है। तो कवि ये बात कह रहा है कि क्या मैंने बचपन अपना तब गवाया जब मेरे को ये पता चला कि भूगोल में या ज्योग्राफी में या मानचित्र या ग्लोब में नहीं है स्वर्ग या नर्क, तब मैंने क्या अपने बचपन को गवाया। इट मींस बचपन की चीजें जो थी उनको छोड़ के कवि की बुद्धि जो है वो विकसित होती जा रही है। एंड देयरफॉर कुड नॉट वाज दैट द डे, क्या वही दिन था जब मेरा बचपन समाप्त हुआ और मैं बड़ा हो गया। फिर से सुनिए, When did my childhood go? कब मेरा बचपन गया? Was it the day? क्या वो दिन था? I chased to be 11, जब मैं 11 वर्ष का हुआ। Was it the time? क्या वो समय था उस समय? I realized, मैंने महसूस किया क्या? That hell and heaven, कि नर्क और जो स्वर्ग है, could not be found in geography, उनको भूगोल में नहीं पाया जाता, किसी मानचित्र या ग्लोब में नहीं दिखाया जाता। और उसी दिन से गवा दिया मैंने किसको? अपने बचपन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, When did my childhood go? कब मेरा बचपन गया? कब मेरा बचपन समाप्त हुआ या गया? Was it that time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked to be, preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? देखिए, कवि कहता है कि पहली बात तो उसने बचपन को कब माना? कि जब उसको ज्ञान हुआ कि स्वर्ग और नर्क मानचित्र में या ज्योग्राफी में नहीं है। पहला ज्ञान तो उसको तब हुआ कि उसका बचपन जा चुका है। दूसरा उसको कब पता चला? When did my childhood go? क्या कब मेरा बचपन गया? Was the time, जब वो समय आया कि मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया? That adults, adults क्या है? व्यस्क, जो हमारे बड़े हैं, बड़े हैं, माता पिता हैं, ग्रैंडफादर हैं या दादा दादी जो भी हैं, ठीक है, were not they seem to be, वे नहीं हैं क्या जैसे वो दिखते हैं, मतलब जैसे वो दिखते हैं वे नहीं हैं। हो सकता है किसी की उनके साथ कोई दुश्मनी हो, किसी की उनके साथ कोई बात हो, झगड़ा हो, तो उस समय जैसे वो आपके साथ प्यार से रहते हैं वैसे वो दूसरों के लिए नहीं है। They talked of love, वे प्रेम के बारे में बात करते हैं, और preached, माता पिता उपदेश देते हैं, उपदेश देना। preached आपका आया था 10th क्लास में भी,
सरमन एट बनारस में, ठीक है, पिच उपदेश देना। तो उपदेश देते हैं किसके बारे में, प्यार के बारे में। बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, जितना वो उपदेश देते हैं प्यार के बारे में उसके अनुसार वो प्यार काम नहीं करते हैं। वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मैंने महसूस किया कि मेरा बचपन जा चुका है। फिर से देखिए, वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, क्या मेरा बचपन कब गया, मेरा बचपन। वॉज इट दैट टाइम, क्या वो समय था जब मैंने ये महसूस किया कि जो व्यस्क हैं या जो माता पिता हैं वर नॉट, वे वैसे नहीं हैं, ऑल दे सीम टू बी जैसे वो दिखते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रेस्ड ऑफ लव, माता पिता या व्यस्क व्यक्ति जो बात करते हैं किसके बारे में, प्रेम के बारे में या प्यार के बारे में, और उपदेश देते हैं प्यार के बारे में। बट डिड नॉट एक्ट लविंगली, परंतु जो उपदेश वो देते हैं उनके अनुसार प्यार के मुकाम नहीं करते हैं। वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मैंने ये जाना कि मेरा बचपन जा चुका है। ठीक है, अगला पैसेज देखिए। When did my childhood go? क्या मेरा कब मेरा बचपन गया? Was it then? When? क्या जब गया? जब I found my mind was real mind. जब मैंने ये पाया कि मेरा जो दिमाग है वो स्वयं मेरा है। To use whichever way I choose. और मैं अपने दिमाग को किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकता हूँ, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, जब आप पैदा हुए तो आपको शुरू में गोदी उठाया गया, ठीक है। गोदी उठाने के बाद आपको सड़क वगैरह क्रॉस करने के लिए उंगली पकड़ाते थे चलने के लिए, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हुए आपने उंगली नहीं पकड़ी किस चीज के लिए, चलने के लिए। मीन्स आप चलने लग गए, इंडिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट नहीं रहे, ठीक है। बाद में आपने सड़क, छोटे थे चाइल्डहुड में, जब आप सड़क पार करते थे तो आपको उंगली पकड़नी पड़ती थी या माता पिता का हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करनी पड़ती थी, रोड क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन आप स्वयं कर सकते हो, स्कूल में जा रहे हो तो आप स्वयं किताबें पढ़ते हो, ठीक है। टीचर जो काम देता है वो स्कूल में खुद अपने दिमाग से करते हो। तो इट मीन्स क्या मतलब हुआ आपका, कि जब आपका बचपन कब गया, जब आपको ये पता चला कि आपका दिमाग खुद का है और आप अपने दिमाग का प्रयोग कर सकते हो जिस तरीके से आप चाहो। टू यूज विच एवर वे आई चूज, कि मैं अपने दिमाग का प्रयोग कर सकता हूं जिस भी तरीके से मैं चाहूं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज अदर पीपल बट माई ऑन एंड माई अलोन वॉज दैट द डे। क्या मतलब हुआ कि दिमाग आपका खुद का है, कैसे पता चला कि आप छोटे थे तो आपको होमवर्क कराते थे, ठीक है, LAGUBG में थे, ABCD लिखना सिखाते थे, फिर आपको मैथ का सिखाते थे, फिर आपको हिंदी का सिखाते थे, अलग अलग सब्जेक्ट का। लेकिन आप जब 10th में गए या प्लस वन में पढ़ रहे हो तो 10th में आपके 80% मार्क्स अगर आ रहे हैं तो किसके हैं, आपके दिमाग के हैं, आपके दिमाग के हैं, आपने दिमाग को प्रयोग करके कवर किया है, ठीक है। और इसके अलावा जब आपने 10th पास कर ली तो आपके दिमाग के अनुसार आप चुन रहे हो कि मेरे को आर्ट लेना है, मेरे को साइंस लेनी है, मेरे को कॉमर्स लेनी है। तो आप अपने दिमाग के अनुसार कार्य करते हो, न कि दूसरे व्यक्तियों के अनुसार। बट माई ऑन, मेरे खुद के हैं विचार, नॉट माई अलोन, केवल मेरे। वॉज दैट डे, क्या वो दिन था जब मैंने इस चीज को जाना कि मेरा बचपन जा चुका है। मीन्स कभी दूसरों पे निर्भर नहीं रहा, खुद के विचारों से कार्य करने लगा, तो कभी कह रहे हैं क्या उस दिन मेरा बचपन समाप्त हुआ। एक बार फिर से देखिए, when did my childhood go? कब मेरा बचपन गया? Was it when I found my mind was really mine? क्या मेरा बचपन उस समय पे गया जब मैंने पाया कि मेरे विचार जो हैं खुद के विचार हैं, मेरा दिमाग जो है खुद का दिमाग है। To use whatever way I choose, और मेरा दिमाग है तो मैं अपने दिमाग का प्रयोग किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। Producing thoughts that were not those other people, ऐसे विचार उत्पन्न कर सकता हूँ जो मेरे ही दिमाग के हो, दूसरे व्यक्तियों की बुद्धि के न हो।
बट माई ओन, मेरे खुद के विचार, एंड माई अलोन, केवल अकेले मेरे के विचार. वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मैंने अपने बचपन को गवा दिया. अब कहाँ गया बचपन, कभी बता रहा है कि बचपन गवाने के बाद गया कहाँ पे बचपन. वेयर डिड द चाइल्ड, माई चाइल्डहुड गो, कहाँ पर गया कौन मेरा बचपन. इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कहाँ पे गया बचपन, बचपन एक ऐसे स्थान पे गया जिस स्थान को हम भूल चुके हैं. दैट्स हाइडन एन इन्फिनिट फेस. और वो बचपन कहाँ पर है, आपके शरीर में ही है. देखिए ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है कि आपका बचपन कहाँ है, आपके शरीर पे है. और आपके शरीर में कहाँ पे है, आपके चेहरे. आपका चेहरा वही है जो आपके बचपन में था, आपका चेहरा वही रहेगा जो आपके बुढ़ापे में है. ठीक है, तो हमारा बचपन कहाँ छिप गया, हमारे चेहरे के पीछे. दैट्स ऑल आई नो, ये सब कुछ मैं जानता हूं. तो अंत में देखिए, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कहां पे मेरा बचपन गया. इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि बचपन ऐसे स्थान पे गया है जहां पे हम उसको भूल चुके हैं. दैट्स हाइडन इन्फिनिट स्पेस, वो कहां पे है, आपके जो इन्फिनिट क्या होता है, शिशु, जो क्या होता है, शिशु या बच्चा, नवजात शिशु होता है ना, शिशु या बच्चा. तो जो शिशु या बच्चे का जो चेहरा है वो छिप गया कहां पे, एक एडल्ट या वयस्क व्यक्ति के तौर पे. कब, जब वो बड़ा हुआ, मीन्स उसका बचपन खत्म हो गया. तो ये आपकी पोएम भी जो हमने चाइल्डहुड या बचपन के बारे में समझी. ठीक है, इस पोएम में हमें शिक्षा भी मिली, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, फिर से बता रहा हूँ कि इस पोएम से हमें मेन और मेन थीम कॉन्सेप्ट एक मिलती है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारे जन्म के समय, उनके मन में एक तीव्र इच्छा होती है कि हम उनसे बात करें. लेकिन हम बचपन से लेके बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उस बात को हम नहीं समझ पाते. क्योंकि एक महान व्यक्ति ने ये कहा था कि हर माता पिता जीवन में ये सोचता रहता है कि मैं मेरी संतान के लिए ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, लेकिन संतान को पूरी उम्र बीत जाती है, ये नहीं समझ पाती कि हमारे माता पिता हमारे बारे में क्या सोचते हैं. तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, जिन में थोड़ा सा समय माता पिता के पास व्यतीत करना चाहिए ताकि उनको अच्छा लगे. तो ये आपकी पोएम थी चाइल्डहुड, जो हमने इस पीरियड में डिस्कस की. उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी. यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में. जय हिंद, जय भारत.